हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारी क्लास नंबर 19, जो कि जूनियर असिस्टेंट 2016 की इंटरव्यू क्लास जो हमारी चल रही थी। 18 क्लास हमने कर ली थी और कुछ जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जा रही हैं साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और करते हैं हमारी क्लास नंबर 19। बीच में 3-4 दिन वीडियो नहीं आई थी, तो कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, और अभी कंटिन्यू करते हैं वापस से। तो आज मैं कराने वाली हूँ आपको, कुछ प्रमुख योजनाएं बताने वाली हूँ इसमें, जो जिसकी आपको डेट्स वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है ना। डीपली उसके लिए डिस्कस नहीं करेंगे हम, फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो डेट्स हैं और कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं, ठीक है, जिसको आपको जान लेना चाहिए कब शुरू हुई और क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो जो इम्पोर्टेंट योजनाएँ हैं और कब शुरू हुई हैं, ये हम ध्यान इसको ध्यान देते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये आपका स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था इसका 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे है आपका वो है मेक इन इंडिया, ठीक है, ये है आपका मेक इन इंडिया। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसके बाद से आपका नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन। हिंदी इंग्लिश सारी चीजें जो है इसमें यूज की जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ये जो है आपका स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका, इसके बाद से सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और जो ये वाली योजना है ये स्टार्ट की गई थी 11 अक्टूबर 2014, और 11 अक्टूबर किसी का बर्थ डेट होता है, बताइएगा किस महान हस्ती का जो है बर्थ डेट है 11 अक्टूबर। इसके बाद से आपका आता है मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष योजना। सारे नहीं करा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रही हूँ, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना ये शुरू हुआ था 15 दिसंबर 2014, ठीक है, काफ़ी पहले से ये 14 से कराया जा रहा है आपको। नेक्स्ट है इसके बाद से आपका एक है, देखिए भारत नेट परियोजना है, तो ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से हृदय योजना जो आपकी आई थी, ठीक है, हृदय HRIDOY, ठीक है, हृदय योजना ये जो आपके स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 21 जनवरी 2015, ठीक है, 21 जनवरी 2015 में आई थी हृदय योजना। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद से है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कुछ परिवर्तन भी हुआ है इसमें, कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे क्या परिवर्तन हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इस नाम से ही बता रही हूँ, आप बताइएगा ओके कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। इसके बाद से जो नेक्स्ट आता है वो आता है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चित योजना है ये भी आपकी, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो ये वाली जो योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी, तो सुकन्या समृद्धि योजना ये स्टार्ट हुई थी आपकी 22 जनवरी 2015, ठीक है। तो ये दोनों योजनाएं जो हैं आपकी 22 जनवरी 2015 की ही हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इतनी योजनाएं हम लोगों ने देख ली हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं आपके इंटरव्यू के पर्पस से या फिर किसी भी एग्ज़ाम के पर्पस से, हर जगह आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, तो है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। इसके बाद से जो आपका नेक्स्ट है 9 नंबर पे, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट है 10th नंबर, 10th नंबर पे है आपका उजाला योजना, ठीक है, उजाला योजना। उजाला योजना कब शुरू हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1 मई 2015,
तो देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसे 2014 से और अभी हम लोग 15 पे पहुंच चुके हैं। उजाला योजना के बाद से है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो सुरक्षा बीमा योजना इसमें जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल दो सॉरी ये आपका स्टार्ट हुआ था 9 मई 2015, ओके 9 मई 2015, ठीक है। और जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुआ था तो उसी साथ एक और शुरू हुआ था अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना ये कब शुरू हुआ था, ये भी आपका 9 मई 2015 को ही स्टार्ट हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अटल पेंशन योजना साथ ही में आपका शुरू हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को, ठीक है। वीडियो सुनिएगा जरूर, वरना जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है वो आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद से आपका आता है अमृत योजना, ठीक है। अमृत योजना तो अमृत योजना की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 25 जून 2015। तो ये दोनों जो है आपके अटल योजना और अमृत योजना ये दोनों जो है आपका शुरू हुआ था 25 जून जो है 2015 में ही, ठीक है। तो थोड़ा सा गला भारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, ओके डिजिटल इंडिया मिशन ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो डिजिटल इंडिया मिशन की स्टार्टिंग हुई थी आपकी 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को। इसके बाद से आपका नेक्स्ट है 16 नंबर पे जो आता है वो है आपका स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो स्किल इंडिया मिशन की स्टार्टिंग हुई थी आपकी 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। 15 जुलाई 2015 को। इसके बाद से जो 17 नंबर पे आता है जानने लायक वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 15 जुलाई 2015 को ही, ठीक है। और इसी में एक आपको और बता दे रही हूँ कि 15 जुलाई 2015 की डेट में ही जो है एक योजना और स्टार्ट हुई थी, उसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है ना। तो जन औषधि योजना भी आपकी इसी डेट की है, तो इसको याद रखेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है। ठीक है, ये जन औषधि योजना जो है ये भी इसी डेट को स्टार्ट हुआ था, तो यहीं से आप इसको याद रख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो और समझ में भी आए कि क्या होता क्या हुआ था और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए आपका बहुत सारी और योजनाएं हैं, जैसे 25 जुलाई की अगर हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, लेकिन इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आपको देख लेते हैं, बता देते हैं, जैसे एक सहज योजना आई थी, ठीक है। सहज योजना तो सहज योजना जो है ये जो है कब स्टार्ट हुई थी, तो सहज योजना जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका 30 अगस्त 2015, 30 अगस्त 2015 को सहज योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके बाद से आपका उदय योजना आई थी और ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 5 नवंबर 2015 को, ठीक है। उदय योजना ये शुरू हुआ था आपका 5 नवंबर 2015 को। उदय योजना के बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, तो उदय योजना के बाद से है आपका वन रैंक वन पेंशन, ओके वन रैंक वन पेंशन। ये वाली जो स्कीम आई थी ये आई थी 7 नवंबर 2015 को, ठीक है। 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन। इसके बाद से बहुत सारी और योजनाएं हैं, लेकिन देख लेते हैं हम फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये आपका स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी 2016 में, 2016 तक हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 22 नंबर पे है वो है आपका स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया और ये आपका शुरू हुआ था 16 जनवरी को,
ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था आपका 16th of Jan को 2016 में। और नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया के बाद से जो नेक्स्ट है हमारा, तो ये है आपका एक स्टैंडअप इंडिया भी शुरू हुआ था, वो 1st of April को शुरू हुआ था 2016 में ही। ठीक है, स्टार्टअप और स्टैंडअप। और इसके बाद से हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और ये स्टार्ट हुआ था आपका कब, तो ये स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। ठीक है, योजनाएं देखिए बहुत सारी होती हैं। ठीक है, सबको याद कर पाना भी मुश्किल है, बता तो दिया जाए लेकिन याद होने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण कहते कहते भी देखिए हम लोग 24 तक आ चुके हैं और अभी 2016 में ही पहुंचे हैं। ठीक है, इसके बाद से आप देख लीजिए, अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगर हो गया है, तो इसके बाद से आपका देखिए एक भीम ऐप आया था। ठीक है, BHIM भीम। ठीक है, तो ये भीम ऐप जो आपका आया हुआ था, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये तो 30 दिसंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप। इसके बाद से जो नेक्स्ट है आपका 25 नंबर पे, तो यहाँ पे आपका है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ठीक है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, और ये शुरू हुआ था 24 जनवरी 2017 को। ठीक है, 24 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था। इसके बाद से हमारा जो 26वां नंबर पे है, इसके बाद से है आपका उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना जो कि आपका शुरू हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान योजना ये आपका शुरू हुआ था 27 अप्रैल 2017। तो यहाँ तक हो गया होगा आप सभी लोगों का। तो इसके बाद से हम देख लेते हैं नेक्स्ट की और क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। इसके बाद से 27 नंबर पे आपका जो इसके बाद से आता है उड़ान योजना के बाद से, वो है आपका यहाँ पे देखिए एक साथी अभियान। ठीक है, साथी अभियान, तो ये भी देख लेते हैं जल्दी से हम, ये कब स्टार्ट हुआ था। तो साथी अभियान जो है ये शुरू हुआ था 24th of October, ठीक है, 2017 में ही। नेक्स्ट है 28, तो इसके बाद से जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका यहाँ से वन धन योजना। ठीक है, वन धन योजना, तो जो वन धन योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी, तो वन धन योजना आपकी स्टार्ट हुई थी यहाँ से देखिए 14 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ था वन धन योजना। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये आपका यहाँ से कुछ चीज़ें और हैं जो देखने लायक हैं, बाकी बाद में जो है देखिए काफ़ी इतने ज़्यादा नहीं आए थे योजनाएं जो हैं जो कि आपको जानना चाहिए, लेकिन तब भी एक आया था आपका देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020। ठीक है, 2019 में कुछ ऐसी योजनाएं नहीं हैं। ठीक है, जैसे आपका 19 में अगर हम बात करें तो आपका एक जल जीवन आया था। ठीक है, किसान मानधन योजना आया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई थी, तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लग रहा है कुछ कराने लायक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 30th नंबर पे, 30th नंबर पे है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 18 जुलाई 2020 को। 18 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद से जो नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये स्टार्ट हुआ था 10 सितंबर 2020। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, मुझे लगता है कि जानना चाहिए कि नई शिक्षा नीति आई थी जो, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। ठीक है, नई शिक्षा नीति ये जो आपकी आई थी 2020 में अभी, ये कब आई थी, तो ये आई थी आपकी 30th of July, ठीक है, 2020। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा नई शिक्षा नीति के विषय में भी, और इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया जा चुका है नई शिक्षा नीति के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हैं इसमें। ठीक है, कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं है, ये सारा चीज़ें आपको बताया जा चुका है, तो दोबारा इस पर वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपका मैंने आपको बताया कुछ योजनाएं यहाँ बता दी,
जैसे आपका ये योजना है प्रधानमंत्री जो है मत्स्य योजना, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना, ये जो स्टार्ट हुआ है आपका 10 सितंबर 2020 को, तो किसके द्वारा शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो डिटेलिंग में बता दी जाएगी। जैसे किस तरह से पढ़ना है आपको इसको ये जानेंगे, जैसे कि ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, बाय PM मोदी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से इसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसे आपको अगर कुछ जानना हो आपसे पूछ दिया जाए किस योजना के बारे में बताइए, ठीक है, तो किस लिए है ये योजना, तो ये योजना जो है भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास के लिए जो है योजना जो है क्या बनाई, इसको बनाया गया है, ठीक है, और इसे जो है 2020-21 और 2025 के बीच जो है लागू किया जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसमें जो है अप्रोक्स 20,000 करोड़ रुपीज़ के लगभग जो है इसमें निवेश भी जो है वो प्रस्तावित है, अनुमानित है कि मतलब इतना निवेश इस योजना में किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको जो है जानना होगा, ठीक है, कुछ योजनाएं जो हैं आपको पहले भी करा दी गई हैं डिटेलिंग में, तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी हैं और कब स्टार्ट हुआ है ये ज़रूर से जानना है कुछ योजनाओं को, ठीक है, और कुछ और योजनाएं जैसे आपकी रह गई हैं, जैसे नमामि गंगे योजना है, तो ये 10 जुलाई जो है 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गंगा नदी के संरक्षण हेतु, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से पढ़नी होंगी ताकि जो है ये चीज़ आपका कवर हो जाए, योजनाओं से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपकी कवरअप हो जानी चाहिए, ठीक है, तो इसको आप आराम से देख लेंगे। और अगर आप कहेंगे तो इन सब के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें आपको और बता दी जाएंगी कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कि किस योजना में क्या है, देखूंगी नेक्स्ट वीडियो जो बना दूंगी वो उसी में बना दूंगी कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं ये सारी योजनाएं जो हैं आपके केंद्र सरकार की थी, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जैसे मैं बता दे रही हूँ इसके विषय में भी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लीजिएगा, सबके विषय में नहीं कहूँगी लेकिन कुछ के विषय में मैं कहूँगी कि थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं इसमें आखिर, ठीक है, जैसे आपका नमामि गंगे योजना है, ठीक है, इसके विषय में पढ़ लीजिएगा। और मैं ओरल बता भी दे रही हूँ आपको एक बार कि नमामि गंगे मिशन इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 10th of July 2014 में, ठीक है, और इसको जो है किसके द्वारा जो है शुभारंभ किया गया था इसका, क्योंकि जल से रिलेटेड योजना है तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो है इसे जो है क्या किया गया था, इसको शुरुआत की गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य जो है वो है गंगा नदी के संरक्षण एवं वृद्धि और शुद्धि हेतु, ठीक है, गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु जो है नमामि गंगे योजना जो है चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद से आपका जो पढ़ने वाला है जिसको ब्रीफली पढ़ना है बता रही हूँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, इसका मैंने आपको डेट बता दिया है 28 अगस्त 2014 को ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो ये याद रखिएगा ये वाली जो योजना है जल संसाधन के द्वारा, ठीक है ना, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, संसाधन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, और किस लिए ये किया गया था, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, तो ये ध्यान दीजिएगा गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है और इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ देंगे बताइए योजना क्यों बनाई गई थी किस लिए, तो ये पता होना चाहिए, तो सबका नहीं जानना, जितनी योजनाएं आपको बताई गई हैं सबका नहीं जानना है, कुछ का जानना है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है तो ये आपकी कब स्टार्ट हुई मैंने आपको बताया, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 में, ठीक है, और इसके विषय में अगर कुछ और चीज़ें जाननी है तो इसके विषय में जैसे ये है आपका किसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिंपल सा बस यही था कि हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो, ठीक है ना, हर परिवार में या सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता, ठीक है ना, कम से कम एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, तो यही इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया था। और अगर बात करते हैं हम इसमें तो कुछ डेटा थोड़ा पहले का है मेरे पास कि इसमें जो लाभ देना था, ठीक है, वो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा था और 30,000 रुपए का जीवन बीमा था, ठीक है, जो लाभ इसमें था वो क्या था, जैसे जो दुर्घटना बीमा था आपका, दुर्घटना बीमा ये बीमा जो था ये कितने का था, ये बीमा जो था 2 लाख रुपए का था, ठीक है, और इसके बाद से जो इसमें जीवन बीमा था
वो कितने का था? तो जो जीवन बीमा था वो आपका इसमें था 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद से नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है ताकि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। तो जो आपका मेक इन इंडिया था, मैंने आपको बताया है कि 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं उनको बढ़ावा देना देश में। ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग और अधिक अधिक हो सके। ठीक है, तो उसके बाद से आपका आता है मिशन इंद्रधनुष योजना। ठीक है, इंद्रधनुष योजना जो आपका था यहाँ पे, तो इंद्रधनुष योजना, तो इंद्रधनुष योजना में क्या था आपका, जैसे बताया मैंने आपको, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है इसको जो है शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है यहाँ से इंद्रधनुष योजना, तो ये चीज़ आपका हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट आपका जो है, देखिए इसमें इसके अंतर्गत जो है 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण कराना था। ठीक है, कौन कौन सी 7 बीमारियां हैं इसके अंदर, जो आपका इंद्रधनुष योजना है इसके अंदर कौन कौन सी 7 बीमारियां हैं उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो जो 7 बीमारियां थी जिसके लिए टीकाकरण करना था, तो वो आपका एक है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है आपका काली खांसी। इसके बाद से आपका टेटनेस। इसके बाद से पोलियो। इसके बाद से टीबी। और फिर है खसरा। फिर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण के लिए जो है ये योजना बनाई गई थी, यानी ये अभियान जो है चलाया गया था। ठीक है, इसी तरह से आपका हृदय योजना। ठीक है, तो हृदय योजना जो है शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य था कि देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है, और हृदय योजना जो है आपकी, तो देख लेते हैं जो हृदय योजना है, हृदय, तो हृदय का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि हृदय का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये है हृदय का फुल फॉर्म, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से और भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपको जो पढ़नी है ब्रीफली, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पढ़ लेंगे आप, उजाला योजना पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पढ़ लेंगे, जो कि 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों 9 मई 2015 को ही स्टार्ट हुई हैं। डिफरेंस क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, ठीक है, आपको जो है इसमें जो है इसके तहत जो है 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो है इसमें 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होता है सुरक्षा बीमा योजना में, और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें 330 रुपये प्रति वर्ष देना होता है, और जो आयु होती है वो 70 से घटा करके यहाँ पे 18 से 50 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है। उदय योजना पढ़ेंगे आप, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, वन वंदना, वय वंदना योजना, और आपका दीनदयाल उपाध्याय जो है इसमें स्पर्श योजना जो है, वरिष्ठ पेंशन योजना, दीक्षा पोर्टल, स्टैंड अप इंडिया, उड़ान, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जो है आपका श्रम योगी मानधन योजना और किसान मानधन योजना। तो जैसे चार मैंने आपको ये बताया ना यहाँ पे ब्रीफ करके,
इस तरह से, जैसे ब्रीफ का मतलब ये नहीं है कि उस पर पूरा लेक्चर तैयार करना है, आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में जाननी होंगी, बस जान के आप बस अपना काम खत्म करें। तो इसके बाद से जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं आप उसे खोजिएगा, देखिएगा, नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ बताया जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।